चाणक्य नीति चाणक्य ने एक बेहद अहम बात भी बताई है, जिसमें ये कहा गया है कि एक पति को कौन सी बात अपनी पत्नी से कभी नहीं कहनी चाहिए। आइए जानते हैं ये कौन सी बातें हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चाणक्य की नीति शास्त्र में कई ऐसी बातें बताई गई हैं, जिनको मानकर आप आज भी लोगों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में कई अहम बातों का उल्लेख किया है, जिससे आपको किससे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, ये तक भी विस्तार से बताया गया है। वही चाणक्य ने एक बेहद अहम बात भी बताई है, जिसमें ये कहा गया है कि एक पति को कौन सी बात अपनी पत्नी से कभी नहीं कहनी चाहिए। आइए जानते हैं ये कौन सी बातें हैं। चाणक्य की बताई गई नीतियों का अनुसरण करके लोगों ने अपने जीवन में कई बार सफलता हासिल की है, फिर चाहे बात उनके करियर को लेकर हो या फिर उनके निजी जीवन से जुड़ी हो। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं तो आपको भी चाणक्य नीति की बातों को अपने जीवन में उतरना होगा। ऐसे में आचार्य चाणक्य ने कुल चार बातें ऐसी बताई हैं, जिन्हें एक पति को अपनी पत्नी से कभी भी नहीं बतानी चाहिए, वरना वो समय आने पर इसका फायदा जरूर उठती हैं। आइए जानते हैं कौन सी बात आचार्य चाणक्य ने कही है। अपने वेतन के बारे में, यूं तो कहा जाता है कि पति और पत्नी के बीच किसी भी तरह की किसी बात का भेद या राज नहीं होना चाहिए, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पति को अपनी पत्नी को ये कभी नहीं बताना चाहिए कि उन्हें कुल कितना वेतन मिल रहा है। यूं तो पत्नियां अक्सर पतियों की फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखती हैं, लेकिन अगर उन्हें उनका असली वेतन पता होता है तो वो उसे खर्च करने से भी नहीं चुकती। अगर आपका अपमान हो जाए तो अपनी पत्नी को भूलकर भी ये कभी मत बताइएगा कि आपका किसी ने अपमान किया है, क्योंकि एक पत्नी अपने पति का बेहद सम्मान करती है और इस तरह से किसी के द्वारा आपका अपमान होने की बात को सहन नहीं कर पाती हैं और अक्सर किसी बात पर उस व्यक्ति से लड़ने भी लग सकती हैं। इससे अक्सर बहस खत्म होने के बजाय वो और बढ़ जाती है। अपनी कमजोरी कभी ना बताएं। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किसी भी पुरुष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भूलकर भी अपनी पत्नी को अपनी कमजोरियों के बारे में ना बताए। चाणक्य नीति में बताया गया है कि पुरुषों को हमेशा अपनी कमजोरी को पत्नी से छिपाकर रखना चाहिए, दान छिपाकर करें। चाणक्य नीति में चाणक्य कहते हैं, दान का महत्व तभी होता है जब उसे गुप्त रूप से दिया जाए। दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए, इससे आपके दान का महत्व कम तो होता ही है, साथ ही कई बार पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। दोस्तों, चाणक्य नीति सही लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।